चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यवस्थापन में योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक है। व्यवस्थापन में योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहले योजना के बारे में देख चुके हैं कि योजना क्या है, किन किन चीजों पर विचार किया जाता है कि ये जो कार्य है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, तो इन सब पर विचार किया जाता है। कैसे होगा तो इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। योजना इसकी पहली स्टेप है, योजना। दूसरा है, अब नियंत्रण की बात करें तो उससे पहले आता है संगठन, संगठन, और तीसरा है नियंत्रण। और लास्ट आता है मूल्यांकन, ठीक है। तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। अब योजना बनाते समय हम चीजों को ध्यान में रखते हैं, कौन सी चीज कब कैसे, कई सारी विचार हैं उन सब पर सबको ध्यान में रखते हैं, स्टेप है उनको फॉलो करते हैं, समस्या क्या है उनको पहचान करना, कई सारे विकल्प होंगे, फिर उन विकल्पों में से एक विकल्प चुनना, इस तरह से उनके स्टेप 5-6 दिए हुए हैं, तो उनको योजना के अंतर्गत देख चुके हैं। और इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन योजना कौन सी होती है, दीर्घकालीन योजना, ये आगे की वीडियो में देख चुके हैं। और फिर बात आती है, दूसरा स्टेप है संगठन। संगठन क्या है, यानी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है परिवार के सदस्य रहते हैं और कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, यानी जो भी हमारा एम होता है, गोल होता है, तो उसको परिवार के सदस्य द्वारा कार्य किए जाते हैं और परिवार के सदस्यों द्वारा ही या इन पर कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हमारी योजना से जुड़े हर पहलू को संगठित करना, ठीक है, तो संगठित करना संगठन। हमें मालूम है कि हमारी योजना में कौन से मानवीय, कौन से भौतिक साधन प्रयोग में आएंगे, उस योजना में क्रियान्वयन में परिवार के कितने सदस्य भाग लेंगे, तो कितने सदस्य की बात जो आ रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है, जो सब मिलकर के कार्य हो रहा है तो वो संगठन सबका, कहते हैं जब लक्ष्य की बात हो रही थी तो उसमें यह था कि सभी का जो सदस्य हैं या परिवार के सदस्य हैं तो उनमें सभी के लक्ष्य समान हो तभी कार्य सफल होगा। तो यहाँ पर मेन संगठन का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है उन सबको एकत्र कर संबंधित व्यक्तियों को उनकी जिम्मेदारी बताना कि आपको क्या करना है, कौन सा काम करना है, किसी सबकी रुचि के अकॉर्डिंग, किस सभी की कैपेसिटी, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, उसको ध्यान में रख करके काम बताना, समझाना, ताकि उन एवं उनकी क्रियाओं के मध्य संबंध स्थापित हो जाए, ताकि वे उस योजना में अपना जुड़ाव और महत्व जानकर काम कर सके। अच्छा, जैसे समूह में सामान लाने की चर्चा की गई हो और यह तय किया गया हो कि जिसे सुविधाजनक हो वो सामान ले आए, व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी न सौंपने के कारण सब एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और सामान कोई नहीं लाएगा। जैसे अगर ये कहा गया कि अपने हिसाब से सामान लाओ तो सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे कि हाँ जो भी सही लगे कोई भी एक ले आएगा या 4-5 लोग ले आएंगे, तो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते, कोई नहीं लाता है, तो सबको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि हाँ आपका ये काम है, आप ही को करना है, एक विशेष व्यक्ति, इस तरह से उनको बात समझानी पड़ेगी। तो वो होता है संगठन। अब संगठन में ही दो आते हैं, क्रियान्वयन और नियंत्रण, योजना का क्रियान्वयन और नियंत्रण। अब जब क्रियान्वयन यानी क्रिया करने लगते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, क्रियान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, और नियंत्रण यानी उस क्रियान्वयन द्वारा चीजों जो कार्य है उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण। जैसे योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण, ठीक है। तो इसमें क्या है, योजना के क्रियान्वयन में
कि इसमें दो व्यवस्थापन की दो पहलू होते हैं, ठीक है, व्यवस्थापन के यानी व्यवस्था योजना के क्रियान्वयन में इनके दो पहलू होते हैं। व्यवस्थापन की दूसरी अवस्था है यानी पहला है क्रियान्वयन और दूसरा है नियंत्रण। जो योजना कार्य को पूरा करने के लिए बनाई गई थी उस कार्य को कार्य रूप में परिणित करना, ये पहला है। और दूसरा है योजना को क्रियान्वित करते समय इस बात का ध्यान रखना कि योजना उद्देश्य किस उद्देश्य से बनाई गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, इन सब चीजों को ध्यान करना। तो वहां पर की गई यह क्रिया नियंत्रण कहलाती है। अब जैसे नियंत्रण की समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां योजना एक व्यक्ति बनाता है, ठीक है, जैसे योजना है बनाया किसी ने और कंट्रोल कोई कर रहा है, तो जो योजना है वो सफल नहीं होगी, जो हमारा एम है गोल है वो सफल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जो योजना बना रहा है तो और वही क्रियान्वयन करे। वास्तव में नियंत्रण की समस्या वहां उत्पन्न होती है जहां योजना एक व्यक्ति बनाता है और उसे क्रियान्वित दूसरा व्यक्ति करता है। ऐसी जगह पर क्रियान्वित करने वाले पर योजना बनाने वाले का नियंत्रण आवश्यक है, तभी जो कार्य है वो सफल होगा, ठीक है। जो व्यक्ति योजना बना रहा है, योजना बनाएगा वही नियंत्रण करे, ठीक है, वही नियंत्रण करे। अब नियंत्रण के द्वारा हम जान सकते हैं कि योजना हमने बनाई थी कार्य रूप में परिणित भी किया था, वह सही दिशा में भी चल रही थी। तो मतलब सही अब ये जो कार्य बनाया है, जो योजना बनाई गई है, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो सही दिशा में चल रही है या नहीं, तो उसके लिए कंट्रोलिंग आवश्यक है। नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी योजनाओं में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि कार्य सफल नहीं हो रहा है, जिस ट्रैक पे जा रहे हैं तो उसमें अपनी योजनाओं में चेंजेस लाते हैं ना, जैसे एम है किसी परिस्थिति बस कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, आपातकालीन की स्थिति आ गई, जैसे कि अभी वो पढ़ा रहे थे गोल को लेकर के, तो बीमारी की स्थिति आ गई, जो भी पैसा सेव किया गया था बीमारी की स्थिति आ गई और जो पैसा सेव है वो घर के लिए या किसी और चीज के लिए सेव किया गया है, और बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि बीमारी में लग गया, तो हमें क्या करना है, अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। तो जो परिवर्तन है वह उसमें नियंत्रण यहाँ किस तरीके से किस ट्रैक पे लाना है, ठीक, योजनाओं में चेंजेस लाते हैं। अच्छा, अब क्रियान्वयन पर नियंत्रण नहीं, जैसे ये है कि हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है या हम रास्ता भटक गए, किंतु यदि क्रियान्वयन पर नियंत्रण नहीं होगा तो हम रास्ता चलते जाएंगे, सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो पाएगा। तो ये इसे नियंत्रण किया जा सकता है। योजना को सफल बनाने के लिए क्रियान्वयन पर नियंत्रण आवश्यक है, तो उस पर क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्रियान्वयन पर नियंत्रण आवश्यक है तो उसके लिए चार बातें ध्यान देनी चाहिए। पहले है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। दूसरा निरीक्षण। तीसरा समायोजन। और चौथा है निर्देशन। चलिए, तो यहाँ पर है कि चार बातें ध्यान रखनी चाहिए योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण करते समय। चार बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। किसी कार्य की योजना बनाकर जब उसे प्रारंभ किया जाए, तो अब जैसे किसी कार्य की योजना बनाई गई है और उसे प्रारंभ किया जाए और बीच में न छोड़ा जाए, तो यह हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं पर निर्भर करता है। हम जिस काम को कर रहे हैं उसके पीछे जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करता है, इसके द्वारा भी क्रिया को शक्ति प्राप्त होती है। क्रिया का उद्देश्य जितना महत्वपूर्ण होगा, क्रिया उतनी ही शीघ्र
पूरी होगी। तो क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करें, ठीक है, जिससे कि जो योजना है वो बीच में छोड़ी ना जाए, बराबर क्रिया करते रहें, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है निरीक्षण। निरीक्षण, अब बीच बीच में जो भी योजना बनाई गई है, क्रियान्वयन हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में निरीक्षण भी आवश्यक है कि जो कार्य किया जा रहा है वो प्रगति के अनुकूल है या नहीं है। जैसे प्रगति जो भी उन जिस ट्रैक पे जा रहे हैं तो वो ठीक से हो पा रहा है या नहीं, एक प्रगति आशा के अनुकूल है या नहीं, जो हमारी योजना प्रारंभ की गई है, नहीं है तो उसको फिर से हम सही उस पर लाएंगे। और अगर यही चीजें है ना, उस पर निरीक्षण करते रहना, जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं, तो ये बिना निरीक्षण के ज्ञात नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा है समायोजन। समायोजन, योजना में समायोजन का अर्थ यही है कि योजना की सफलता के लिए उसमें नए निर्णयों को निर्धारित करना, ठीक है, जो भी नए निर्णय हैं उनको निर्धारित करना, तभी योजना में समायोजन आएगा। नए निर्णय लेना होगा, योजना को क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि समायोजन आए, नए निर्णय लिए जाए आवश्यकता अनुसार। समायोजन की सबसे अधिक आवश्यकता तब होती है जब क्रियान्वयन के बीच में परिस्थितियां बदलती है, योजना दोषपूर्ण होता है, यह भी क्रियान्वयन के समय स्पष्ट होता है कि मतलब यह भी उसमें होता है, और परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, परिवर्तन के कारण समायोजन आवश्यक हो जाता है, ठीक है। यानी सबसे अधिक आवश्यकता तब होगी जब क्रियान्वयन के बीच में परिस्थितियां बदलती हैं या योजना दोषपूर्ण होती है, तभी समस्या क्लियरली दिखती है कि हाँ ये समस्या है। फिर है निर्देशन। निर्देशन भी देखना चाहिए कि निर्देशन भी करते हैं इसमें, योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण रखते समय ये भी ध्यान देते हैं कि निर्देशन को बीच बीच में निर्देश, जैसे परिवार के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो निर्देशन की आवश्यकता कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, इन सबको ध्यान में रखेंगे। नियंत्रण के लिए योजना बनाने वालों को बीच बीच में निर्देशन के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके अभाव में क्रियान्वयन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, ठीक है। तो इनकी चार बातों को ध्यान में रखना होगा, योजना के क्रियान्वयन पर नियंत्रण क्या है, यानी जो व्यक्ति योजना बनाएगा वही नियंत्रित करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो योजना सफल नहीं होगी। और इसमें चार चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा, क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, निरीक्षण, समायोजन और निर्देशन। तो ये इस वीडियो में ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम संगठन और संगठन कंट्रोल यानी नियंत्रण और मूल्यांकन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।